जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है सीटेट 2022 की रिगार्डिंग, और वो खबर ये है बच्चों की पक्की खबर आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट से बताना चाहूँगा कि सीटेट 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया आपके एग्ज़ाम डेट का और आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों की सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आज सूचना जारी की गई है, यानी कि 20 अक्टूबर 2022 को यह सूचना जारी की गई है। इस सूचना में क्या है आइए इसको पढ़ते हैं, और जब तक पीडीएफ खुल रहा है बच्चों आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं बच्चों सीटेट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आपका ये नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन की जो मुख्य बातें कही गई हैं आइए एक नज़र उस पर डालते हैं, और आप देखेंगे हिंदी में यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि इस बात को ध्यान से देखिए, साफ यहाँ पे कहा गया है कि आवेदन करने से पहले आपको यहाँ पे शीघ्र ही इच्छुक अनुरोध है कि केवल वेबसाइट डाउनलोड करके। अब यहाँ पे इस बात को देखिए क्या लिखा गया कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31/10/2022 यानी कि सोमवार से शुरू होगी, और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24/11/2022 यानी कि 24 नवंबर को रखा गया है रात के 12 बजे तक। तो आपको उस तक वेट नहीं करना है बच्चों, 31 तारीख को भी नहीं भरिएगा आप, थोड़ा सा आपको 24 दिनों का डेट यहाँ पे दिया जाए बच्चों, 31 से शुरू होगा 24 तक। तो आपको क्या करना है, 1 तारीख को भरना है, 1 नवंबर को, 31 से शुरू हो जाएगा। अगर कोई इश्यू होता है तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। बाकी अन्य चीज़ें भी पढ़ लेते हैं, मुख्य बात यही थी। और शुल्क का भुगतान 25/11 शुक्रवार को इतना बजे से पहले किया जा सकता है, मतलब हम तुरंत ही कर देंगे जब फॉर्म भरेंगे, तभी हम क्या करेंगे अपने शुल्क की भरपाई कर लिया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब आइए मुख्य बातें इसमें देख लेते हैं कि मुख्य बातें क्या है। इसकी मुख्य बातें ये है बच्चों कि इसके फीस कितने लगेंगे, तो फीस के बारे में सामान्यतः यह जानकारी पहले भी दी जा चुकी थी कि 1000 रुपये पेपर एक या पेपर दो और दोनों के लिए 1200, सामान्य और ओबीसी के लिए, एससी एसटी विकलांग कैटेगरी के लिए दोनों पेपर के लिए 600। तो मुझे पता है कि मेरे जो साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो दोनों जमा करेंगे, दोनों पेपर देने वाले हैं, यानी कि 1200 रुपये का चार्ज यहाँ पे आपसे लगेगा बच्चों। बच्चों यहाँ पे ध्यान देखिएगा क्या लिखा गया है, उम्मीदवार को यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमताओं की उपलब्धता के अनुसार उनके परीक्षा के शहर का विकल्प ऑनलाइन आवेदन सब भरते समय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा। कहने का क्या मतलब है, आप जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना चाहते हैं वो आप से पहले, अगर मान लीजिए कि किसी एक जिला में लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में मान लीजिए 20,000 बच्चों का यहाँ पे सेंटर दिया जाना है, तो जिन पहले 20,000 बच्चों ने यहाँ पे चूज़ कर लिया है उन्हीं को लखनऊ में मिलेगा, और बाद में बच्चों को किसी और ज़िले में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप देर मत करिएगा, आप भी जल्दी फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आपका सेंटर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, यानी कि आप जिस ज़िले में लेना चाहते हैं अगर आपसे पहले किसी ने आवेदन कर दिया है और अब वहाँ उस ज़िले में सेंटर नहीं रहा तो आपको किसी अन्य ज़िले में जाना पड़ेगा। ये इसकी मुख्य बातें थी दोस्तों, कुछ सेम वही बातें यहाँ पर आगे भी लिखी गई हैं। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा, यानी कि परीक्षा केंद्र का आवंटन किया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने दौरान यदि किसी विशेष शहर का कुल क्षमता पूर्ण हो जाता है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। मतलब अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर जहां पे आप लेना चाहते हैं लखनऊ में वो फुल हो गया तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इसके अलावा आप कहां पे लेना चाहते हैं। तो ये दोस्तों मुख्य बातें हैं। अब कहिए अगर आप थोड़ा सा समय दें तो मैं पूरा ऊपर से पढ़ना चाहूँगा इसकी मुख्य बातें क्या है। देखिए केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षा सीटेट को 16वें संस्करण का परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब ऑनलाइन मोड में दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित किया जाएगा। यहाँ से एक और बात निकलती है, अभी डेट फिक्स नहीं किया गया है, दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में किया जाएगा। उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र की परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी। विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम भाषा पात्रता मानदंड परीक्षा शुल्क परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट शीघ्र ही उपलब्ध होगा, यानी कि हमें कहीं और नहीं जाना है, इसी वेबसाइट से जिसमें मैं बता रहा हूँ वहीं से आपको जानना होगा।
ओके, इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपयुक्त वेबसाइट से सूचना डाउनलोड कर आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। मतलब हमें इसी चीज़ पे ट्रस्ट करना है और मैं भी इसी वेबसाइट से निकाल के लेके आपके लिए आ रहा हूँ। तो अब यहाँ पे दिया गया है कि इनके माध्यम से ऑनलाइन करना होगा आवेदन। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31/10 यानी कि सोमवार को शुरू होगी, 31 अक्टूबर को, और अंतिम तिथि क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से, हमें यहाँ वेट नहीं करना है 24 तारीख का। 31 से शुरू होता है तो 2-3-4 दिनों में आप जरूर भर लीजिएगा, क्योंकि सेंटर कैसे होगा, पहले आओ पहले पाओ। चलिए, ये की मुख्य बातें हो गई। इसमें तीन मुख्य बातें हैं। पहला क्या बच्चों कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कहते हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरी इसकी मुख्य बात क्या है बच्चों कि परीक्षा की आवेदन शुरू 31 से होगा, ख़त्म 24 से होगा। और इसकी मुख्य बातें ये हैं कि पहले पेपर के लिए मात्र 1,000 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1,200 रुपये सामान्य और OBC वर्ग के बच्चों के लिए, SC ST विकलांग के लिए जो छूट दी गई है 500-600 रुपये। और इसकी मुख्य बात क्या है बच्चों, पहले आओ पहले पाओ, यानी कि आपको लेट नहीं करना है। इसी प्रकार से यह आपका संपूर्ण सूचना यहाँ पे समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत। सूचना अच्छी लगी हो दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था इस चीज़ का। और अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। उठो कमर कसो और जुड़ जाओ, जो भी कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी किताबें हैं बच्चों, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मैं आपसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट करूंगा, वो ये है कि बच्चों प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व करते रहिए। और दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास करता हूं जिसमें CTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमने कुछ यहां पे क्वेश्चंस कराए हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं और इन सारे वीडियोज़ को देखते हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इससे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने प्रयास किया है कि CTET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व करें। दोस्तों मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं। तो CTET देने जा रहे सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि CTET में आप बहुत अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करके आप देश के बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और शिक्षिका बनेंगे और बच्चों के भविष्य को बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छी न्यूज़ आप शेयर कर रहे हैं, कुछ गलत न्यूज़ नहीं। तो पढ़ाई से संबंधित न्यूज़ है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत दोस्तों।